हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद स्वारिका में आपका स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं छठ का प्रसाद ठेकुआ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। हमें चाहिए 2.5 कप आटा, गेहूं का आटा है ये, आप मैदा भी ले सकते हो। 2/3 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप मिल्क लिया है मैंने, 1/4 कप घिसा हुआ नारियल, 1/4 कप घी लिया है देसी घी, थोड़ा सा किशमिश, 1 बड़ा चम्मच सौंफ। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें हम आटा पिसी हुई चीनी घिसा हुआ नारियल और किशमिश सौंफ सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब मैंने सारा घी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब देखिए घी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको हाथ में ऐसे दबाएंगे तो ये बंधने लगता है। इसमें इतना घी होना चाहिए कि इसका ऐसे लड्डू सा बंधने लगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे। इसमें दूध कम या ज़्यादा भी लगेगा तो एक साथ दूध नहीं डालना है। इसका रोटी के आटे के जैसा डो नहीं बनाना है, इसे गूंदना नहीं है बहुत ज़्यादा। सारा बस इकट्ठा हो जाए अच्छे से, इतना ही इसे गूंदेंगे। ये देखिए अच्छे से दूध मिक्स हो गया है, ये इकट्ठा होने लग गया है। ये डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस अच्छे से इकट्ठा कर लेना है। ये अच्छे से इकट्ठा हो गया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे। दस मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से नीट कर लेंगे। और ये डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसका ठेकुआ बनाएंगे। थोड़ा सा डो हाथ में लेना है, उसे अच्छे से प्रेस करते हुए इसको शेप देंगे। इसका आप गोल या लंबा कैसा भी शेप दे सकते हो। अब मेरे पास ये एक मफिन मोल्ड है, मैं इसको इसमें रख के ऐसे प्रेस कर दूंगी। हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे और ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन बन गया है। इसी तरह से एक और बना लेते हैं। तो हाथ में प्रेस करते हुए शेप देंगे। इसको थोड़ा मोटा ही रखते हैं, ज़्यादा पतला नहीं बनाते इसको। इसको मोल्ड में रख के प्रेस कर देंगे।
और ये रेडी हो गया। अब इसी तरह हम और बना लेंगे और दूसरे डिज़ाइन भी बना लेंगे। सो राउंड कर लेंगे। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसे कैसे बना सकते हो डिज़ाइन। वैसे इसका मोल्ड भी आता है ठेकुआ का, आप उससे भी बना सकते हो। ये मेरे पास एक बाउल है, इसमें ये पीछे डिज़ाइन बना हुआ है, तो मैं इसको इस पे रख के हल्का सा प्रेस कर दूँगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह से हम दूसरे डिज़ाइन भी बना लेंगे। आप घर के चीज़ों से ही बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हो। एक राउंड करके ये जो हमारे पकोड़े निकालने की छन्ने होती हैं इसके ऊपर रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये टूट गया है, कोई बात नहीं, दूसरा बना लेते हैं। चलिए एक और बना लेते हैं। इसको राउंड करके इस पर हल्का सा प्रेस करेंगे। मैंने पहले ज़्यादा प्रेस कर दिया था इसलिए वो टूट गया था। और इसको निकालेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। अब हम एक दूसरा डिज़ाइन बना लेते हैं। इसके लिए हमें एक लीफ का शेप देना है हमें डो को। तो एक लीफ का शेप देंगे। ये लीफ का शेप दे दिया मैंने। अब एक टूथपिक लेंगे और इस पे ऐसे प्रेस करते हुए लीफ का ही डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से इतना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। ये देखिए एक और डिज़ाइन बना लेते हैं। इसी तरह से मैंने फोक ले लिया है, उसको इस पे प्रेस करते हुए निशान बनाते जाएंगे। ये सबसे इजी डिज़ाइन है। फोक से इस पे निशान बनाते जाएंगे और ये रेडी हो गया है। इसी तरह से देखिए मैंने इतने सारे डिज़ाइन बना लिए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते। ये देखिए इसी तरह से मैंने सारा ठेकुआ तैयार कर लिया है। ये सारा रेडी हो गया, तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल हीट करने रख दिया है। अब हम इसमें अपना ठेकुआ डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। और हम इसको धीमी आंच पे ही सेकेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जब एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसे दूसरे साइड पलट देंगे। इसको ऐसे ही थोड़ी देर सिकने देते हैं। ये एक साइड से सिक गया, अब इसे हम पलट देंगे। हमें दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर से का सेकना है। इसको धीमी आंच पे ही सेकेंगे, नहीं तो ये ऊपर से तो काला हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको धीमी आंच पे सेकेंगे तभी ये अच्छा क्रिस्पी बनता है। अब ये अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं तो थोड़े से टूटने भी लगते हैं। तो बहुत ध्यान से निकाल लेंगे।
अब इसी तरह से हम अपने बाकी के ठेकुए भी सेक लेते हैं। एक साथ बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा। और ये रेडी हो गया हमारा छठ का प्रसाद ठेकुआ। ये एक हेल्दी स्नैक है, आप इसे कभी भी बना सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रेसिपी ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू।